सो भाई आप देख सकते हो मेरे पास एकदम बहुत ही बढ़िया गेमिंग पीसी, और इस गेमिंग पीसी के अंदर है दो मॉनिटर, और दोनों मॉनिटर पर आप देखोगे कि एक मॉनिटर पे भाई फ्री फायर मैक्स और दूसरे मॉनिटर पे भाई नॉर्मल फ्री फायर। लेकिन ये क्या भाई, आप यहाँ पर देखोगे कि तो अपना फ्री फायर चल ही नहीं रहा है भाई, पूरी तरह से बंद पड़ चुका है। क्या अपना फ्री फायर बंद हो चुका है? खत्म। लेकिन ऐसा सिर्फ मेरे साथ में नहीं हो रहा है, ऐसा आपके साथ में भी हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का भी फ्री फायर बंद हो चुका होगा, क्योंकि आज है 16 नवंबर, और आज 16 नवंबर के दिन ही अपने फ्री फायर का अपडेट आना था, यानी कि OB37 का अपडेट आना था, और वो अभी चल रहा है। ये वाला अपडेट शाम तक चलेगा, और जैसे ही आप शाम को अपना फ्री फायर अपडेट कर लोगे वैसे ही आपका फ्री फायर ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका फ्री फायर ओपन हो जाएगा वैसे ही आप देखोगे कि अपना पूरा फ्री फायर बदल चुका है, क्योंकि फ्री फायर के हर अपडेट के साथ में ऐसा ही होता है, जब भी अपने फ्री फायर का अपडेट आता है वैसे ही अपने फ्री फायर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें मतलब बदल जाती है। और इस वाले अपडेट में क्या चीजें बदलने वाली है, क्या क्या चेंजेस वगैरह आएंगी, वो मैं आपको इसी वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि ये वाला वीडियो अपना OB37 का लास्ट वीडियो है, इसके बाद अपन कुछ और वीडियो डालेंगे। और उसके साथ में अगर आपने इस वाले वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी बनाया था कि भाई अपने फ्री फायर के अंदर क्या क्या चेंजेस वगैरह आने वाली है, तो आप उस वाले वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि उस वाले वीडियो में भी आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। तो चलो फिर भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. तो अपडेट में अपन को जो सबसे पहली चेंजेस देखने को मिलेगी वो मिलेगी भाई वो कस्टमाइज बंडल, यानी कि जब अपने फ्री फायर के अंदर अपडेट आ जाएगा उसके बाद में अपन को एक ऐसा बंडल मिलेगा जिसको अपन कस्टमाइज कर पाएंगे। आप इधर देख सकते हो अपन को कुछ इस प्रकार का बंडल देखने को मिलेगा, वैसे इधर आपको बंडल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एडवांस सर्वर के अंदर अभी तक अपन को बंडल नहीं दिखाया गया था। लेकिन साइड में आप यहाँ पर बंडल का आप यहाँ पर मतलब बात करेंगे तो सेटिंग देख सकते हो, इधर बेसिक है, कस्टमाइज्ड है, तो इस प्रकार से कोई सेटिंग आएगी जिसके जरिए अपन अपने बंडल को कस्टमाइज कर पाएंगे। उसी के साथ में अपन को एक ईवो फीस्ट देखने को मिलेगा। अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक अपनी गन्स वगैरह ईवो में आती थी, लेकिन अब अपन को अपडेट के बाद में एक ईवो फीस्ट देखने को मिलेगा जिसको अपन को अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये वाला फीस्ट अपन का 1 लेवल से 5 लेवल तक जाएगा, जो कि यार सच में कमाल की बात है। लेकिन इस वाले फीस्ट में अपन को कोई भी इमोट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। फीस्ट के बाद आता है भाई फुटबॉल मैप। अब अपने फ्री फायर के अंदर अपडेट के बाद में अपन को एक फुटबॉल मैप यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसके अंदर अपन यहाँ पर फुटबॉल खेल पाएंगे, और ये वाला मैप भी यार एकदम बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन किसी भी एनिमी को नहीं मार पाएंगे, इसमें अपन को फुटबॉल के जरिए गोल करना पड़ेगा, जिसमें यार काफी ज्यादा मजा आएगा, और ये वाली चेंजेस भी अपनी बहुत ही बढ़िया चेंजेस है। अब अपडेट के बाद में क्या होने वाला है कि अपन अपनी M10 को भी अपग्रेड कर पाएंगे। अभी तक आप यहाँ पर स्कार M4A1 और भी अधिक गन को अपन यहाँ पर मतलब बात करेंगे तो अपग्रेड चिप से अपग्रेड कर पाते थे, लेकिन अब अपडेट के बाद में अपन यहाँ पर अपनी M10 गन को भी 3 लेवल तक ले जा सकते हैं अपग्रेड चिप की हेल्प से। यानी कि सीधी लैंग्वेज में अपन यहाँ पर बात करेंगे तो अपन यहाँ पर अपग्रेड चिप को M10 गन में भी यूज कर पाएंगे। उसके बाद आता है भाई जंप ग्रेनेड। अब क्या है कि अपने CS में एक ग्रेनेड आने वाला है जिसको अपन यहाँ पर जंप ग्रेनेड कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अपन उस वाले ग्रेनेड को चलाएंगे तो उधर कोई जंप पैड टाइप का आ जाएगा, और जब जंप पैड टाइप का आ जाएगा तो अपन को उसके ऊपर जाना है और वो वाला जंप ग्रेनेड अपन को जंप करवा देगा। यानी कि इस प्रकार से कोई एक ग्रेनेड आने वाला है, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कह पा रहा हूँ, वैसे आप इस वाले ग्रेनेड को देख भी सकते हो, कुछ इस प्रकार का अपना एक ग्रेनेड आने वाला है अपडेट के बाद में। उसी के साथ में CS में एक और बड़ी चेंजेस आने वाली है, वो क्या है कि अभी अपन यहाँ पर लोड आउट वगैरह होते थे जैसे कि बॉन्टी टोकन हो गए, फायर हो गया, उसी के साथ में पॉकेट हो गया, इस प्रकार की चीजों को अपन यहाँ पर मतलब बात करेंगे तो क्लासिक या फिर रैंक में बड़े बड़े गेम में ले जा सकते थे, लेकिन अपडेट के बाद में अपन यहाँ पर CS वगैरह में भी इनको ले जाएंगे। यानी कि अगर आपको फायर वगैरह ले जानी है, पॉकेट वगैरह ले जानी है, तो आप बड़ी आसानी से अपने CS के अंदर भी फायर वगैरह को ले जा सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। अब अपने यहाँ पर बात करने वाले अपने अपडेट के बाद में दिखने वाली दो गन्स के बारे में। पहली गन है ट्रिगोन, और ये वाली गन भाई शॉट गन प्लस यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर की तरह काम करेगी, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वाले वीडियो को भी देख सकते हो, इस वाली गन के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। अब दूसरी गन के बारे में बात करेंगे तो दूसरी गन का नाम है आर्मोरेला। अब इसका भी नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं इसको अम्ब्रेला गन कहूंगा क्योंकि इसका चलना भी एकदम अम्ब्रेला जैसा है। अभी वाली गन भाई किसी को मारेगी नहीं, बस ये वाली गन ये करेगी कि आपका कोई भी एनिमी है जो आपको डैमेज दे रहा है, आपको मतलब फायर कर रहा है, तो आप उसके फायर को यहाँ पर मतलब बात करेंगे तो रोक सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको फायर बटन पर मतलब प्रेस कर देना है, दबा देना है, उसके बाद में इस वाली गन से कोई छाता सा निकलेगा और वो वाला छाता आपकी एनिमी के सारे डैमेज को पी जाएगा। अब अपने यहाँ पर बात करेंगे अपने आने वाले पैट के बारे में, तो इस वाले पैट का नाम है R1, और ये वाला पैट भी भाई बहुत ही बढ़िया पैट है। इस वाले पैट की स्किल भी एकदम धमाकेदार है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी गेम खेल रहे हो और आपको कोई भी एक प्लेस का स्कैन चाहिए कि उधर कितने एनिमी छुपे हुए हैं, तो आप इसकी हेल्प से किसी भी प्लेसेस को स्कैन कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि उधर कितने एनिमी अवेलेबल है। पैट के बाद अपने यहाँ पर बात करने वाले अपग्रेड एयरड्रॉप के बारे में। अभी क्या था कि अपनी जो लूट चेस्ट होती थी वो लेवल 3 पर जाती थी, यानी कि अपग्रेड होती थी, लेकिन अपडेट के बाद में जो अपने एयरड्रॉप वगैरह है वो भी अपग्रेड होंगे। लेकिन ये वाले एयरड्रॉप वगैरह अपन को लास्ट जोन में देखने को मिलेंगे, यानी कि जब अपना बहुत ही कम मतलब बात करेंगे तो सर्कल बचेगा, उसी सर्कल के अंदर अपन को कोई ऐसे ड्रॉप मिलेंगे जो अपग्रेड होंगे और लेवल 3 तक जाएंगे, और उनमें भी अपन को बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब बात करेंगे तो लूट मिल जाएगी। और एयर ड्रॉप के बाद अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं लॉन वॉल्फ चेंजेस के बारे में। अपडेट के बाद में अपन को लॉन वॉल्फ के 2 मैप देखने को मिलेंगे। पहला है आइस ग्राउंड। आइस ग्राउंड वाला मैप आपको तो पता ही होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि इस वाले मैप के अंदर अपन को चारों तरफ बर्फ
मिलेगी। इस प्रकार से अपना ये वाला मैप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। लेकिन उसी के साथ में क्या है कि अपडेट के बाद में अपन को लॉन वॉल्फ के अंदर जॉम्बी मोड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अपन यहाँ पर अपनी पूरी स्क्वाड के साथ में जॉम्बी मोड खेल सकते हैं। और ये वाला मोड भी भाई बहुत ही बढ़िया मोड होने वाला है, और ये वाला मोड अपन को अपडेट के बाद में देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ में मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.